ये इवेंट उन लोगों के लिए है जिन्होंने इस तरह की लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में काफी लंबा टाइम निकाला है, मगर ये टाइम आप निकालते कैसे हो, क्या क्या फेस करते हो, कैसे आगे बढ़ते हैं? तो 60s के गोल्डन अरब के गानों को याद करते हुए लेट अस ट्राई टू सी हाउ द जर्नी हैज बीन। सबसे पहले तो ये कि आप जब इस लार्ज ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो तो ऑर्गेनाइजेशन आपके बारे में क्या सोचती है, द गोल्डन हनीमून पीरियड। सो अंशुल मैम इज इन्फोसिस, जब भी आप कोई गाना सुने रिमेम्बर शी इज इन्फोसिस। आई एम एन अदना सा एम्प्लॉय। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा ओ दिल कहे दिलदार मिला, हम कहे हमें प्यार मिला, दिल कहे दिलदार मिला, हम कहे हमें प्यार मिला, प्यार मिला हमें यार मिला, एक नया संसार मिला, प्यार मिला हमें यार मिला, एक नया संसार मिला। आस मिली अरमान मिला, ओ जीने का सामान मिला, मिल गया एक सहारा, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। एम्प्लॉय ने ज्वाइन कर लिया, एम्प्लॉय सेटल हो गया। अब उसने सोचा पूरी मेहनत करेंगे, और एम्प्लॉय ने इतनी मेहनत करी, एक क्वार्टर, दो क्वार्टर, तीन क्वार्टर, चार क्वार्टर, बहुत अच्छे से मेहनत करी, और क्या सोचा एम्प्लॉय टू इन्फोसिस, हम आपके कदमों पर गिर जाएंगे कश खाकर, इस पर भी नाम अपने आंचल की हवा दे दो, हम आपके कदमों पर गिर जाएंगे लश खाकर, पर भी न हम अपने आंचल की हवा दे दो, हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे दो, हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दे दो, हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे दो, एम्प्लॉय ने एक साल बिता लिया अप्रेजल टाइम। थोड़ा सा सरप्राइज हुआ एम्प्लॉय, और सवाल आए उसके मन में कुछ, तो क्या सवाल पूछा, सच्ची सच्ची कह दो दिखाओ नहीं चाल रे, सच्ची सच्ची कह दो दिखाओ नहीं चाल रे, तूने तो नहीं है चुराया मेरा माल रे, तूने तो नहीं है चुराया मेरा माल रे, जाने कहां मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था किधर गया जी, किसी की अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी,
फाइनली एम्प्लॉय ने, आप क्यों दुखी हो रहे हैं, फाइनली एम्प्लॉय ने सोचा कि अपना दुख व्यक्त किया जाए। और जब अपना दुख एम्प्लॉय ने अपने मैनेजर्स को व्यक्त किया तो मैनेजर ने क्या कहा, छोटे से कुसूर पे ऐसे हो खफा, रूठे तो हुजूर थे मेरी क्या खता, छोटे से कुसूर पे ऐसे हो खफा, रूठे तो हुजूर थे मेरी क्या खता, देखो दिल तोड़ो छोड़ो हाथ छोड़ो, देखो दिल तोड़ो अरे छोड़ो हाथ छोड़ो, छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे अज समझे, अच्छा जी मैं हरे चलो मान जाना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना, अच्छा जी मैं हरे चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। एम्प्लॉय को सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, बेचारा बहुत दुखी हुआ और एक दो साल बीत चुके थे। एम्प्लॉय ने सोचा चलना चाहिए, अपनी तरफ से जाने का ऑफर दिया कंपनी को और कंपनी ने क्या बोला, हंस रही है चांदनी मचल के रो न दूं कहीं, ऐसी कोई रूठता नहीं, ये तेरा ख्याल है करीब आ मेरे हंसी, मुझको तुझसे कुछ गिला नहीं, बात यूं बनाए है कि ओ, 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 ओ। काउंटर ऑफर मिल गया था, न बोल दूं तो क्या करूं, वो हंस के यूं बुलाए है कि ओ, 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 फाइनली एम्प्लॉई को काउंटर ऑफर मिला, दो तीन साल बीत चुके थे, उसने सोचा लेट्स एक्सेप्ट एंड लेट्स कंटिन्यू द जर्नी, और एम्प्लॉई इतना खुश हुआ कि उसके दिल से क्या निकला, गाता रहे मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल, गाता रहे कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, हेलो 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 जी हमसे बच कर कहां जाएगा, जहां जाएगा हमें पाएगा, अजी हमसे बच कर। तो यहाँ कहानी ऐसे चली कि दो तीन साल के बाद कुछ ना कुछ अप एंड डाउन होता रहा, कंपनी आपको कुछ देती रही, आप कंपनी के साथ एग्री करते रहे, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 21 साल 13 साल 20 साल 25 साल, और इस तरीके से आपकी जर्नी चली, और जो पीछे बैठे हैं उनकी भी ऐसी चली कि इफ दे लाइक टू। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग अ पेशेंट ऑडियंस, मच अप्रिशिएटेड। थैंक यू एवरीवन।